बिहार विधानमंडल ने दो दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना समाज समय की मांग है। अशोक स्तंभ आज भारत का प्रतीक है। अशोक स्तंभ हम आज भारत के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए साथियों, महान अशोक सम्राट एक महापुरुष थे, और उस महापुरुष के बारे में जिन्होंने अपनी कुशलता से अपने पराक्रम के बल पर अपने निडरता के बल पर सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हो, और शायद दुनिया में कोई दूसरा उनके बराबर का साम्राज्य नहीं था, ये उन्होंने स्थापित करने का कहा। लेकिन अभी कई साथी कह रहे हैं ऐसे महान पुरुष के बारे में भी कुछ विकृत विचारधारा के लोग रहते हैं। इस समाज में हर तबके के लोग हैं, और वैसे कुछ लोग जिनका दिमाग विकृत विचारधारा है, वैसे लोग महान अशोक सम्राट के का चरित्र विश्लेषण भी अपने लेखनी के माध्यम से करने लगते हैं। अरे भाई, बुद्धिजीवी अगर कहलाते हैं, अगर बुद्धिजीवी कहलाने का हक अपने आप को मानते हैं, अपने आप को उसके बराबर मानते हैं, तो जरा सही चित्रण तो करिए। किस महान व्यक्ति का चित्रण चरित्र चित्रण आप कर रहे हैं? ऐसे लोग बुद्धिजीवी कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, समाज में ऐसे विकृत विचारधारा के लोग भी हैं, लेकिन ऐसे विकृत विचारधारा के लोग के चरित्र चित्रण के बावजूद अशोक, महान अशोक सम्राट विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य के मालिक थे, और विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को उन्होंने स्थापित करने का काम। आज बिहार में नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? बिहार में नीतीश कुमार जी उनके संस्मरण को लेकर आगे चल रहे हैं। कई साथियों ने बताया कि अशोक सम्राट जी के यादगार में उन्होंने कई यहाँ कार्यक्रम किए, छुट्टी घोषित की, सारा का कुछ किया। क्यों कर रहे? बिहार की जो जो धरोहर है, उस धरोहर को नीतीश कुमार जी इतिहास का पन्ना बना रहे हैं, और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी उसको याद करेगी। वो इस इतिहास के सभी धरोहरों को, उनके संस्मरण को वो पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसको रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, जी ने बिहार में जो किया है, अभी चर्चा कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, न्याय के साथ विकास का जो उन्होंने नारा दिया, न्याय के साथ विकास का नारा का क्या अर्थ? न्याय के साथ विकास का नारा का अर्थ यही था कि समाज के सबसे निचले पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसके प्रति विशेष प्रयास करके उसको भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, और जो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय किए, यही काम सम्राट अशोक जी ने किया। आज नीतीश कुमार जी नए बिहार का निर्माण कर रहे हैं, और नए बिहार के निर्माण कर में उन्होंने सामाजिक न्याय को, सामाजिक सद्भाव को और सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए न्याय के साथ विकास के रास्ते पर उन्होंने चलने का काम किया। और एक बार कई बार बहुत ठीक बात बोल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सब लोगों ने मांग किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह कर चुके हैं। बिहार विधानमंडल ने दो दो बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना समाज समय की मांग है। इसके पहले जातीय जनगणना कब हुआ था? इसके पहले जातीय जनगणना 1931 में हुआ था, और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुआ। अगर सरकार को नीति बनानी हो, सरकार को अगर कार्यक्रम बनाना हो, सरकार को अगर न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलना है, तो जानना तो पड़ेगा ना कि किस समाज के कितने लोग हैं, और इससे किसी समाज को, समाज के हर तबके को लाभ है, किसी को घाटा नहीं है। तो इसलिए जातीय जनगणना आज समय की मांग है,
और उस मांग पर हमारी पार्टी अड़ी है और हम लोग उस बात को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। पहले हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चुप रहिएगा खुशरूपुर नरेश, इसलिए हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहले केंद्र सरकार ये निर्णय ले कि जातीय जनगणना होगी नहीं होगी, फिर हम लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे कि कैसे करना है। लेकिन हमारी जो मांग है जातीय जनगणना की, जो मांग बिहार विधान मंडल ने सर्वसम्मति से दो दो बार पास किया,